प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देश कैसा बदल रहा है, इसका एक उदाहरण आप यही देखिए। एक तरफ एक हाई एंड आईआईटी गांधीनगर का लोकार्पण हो रहा है और साथ साथ 6 करोड़ देश के ग्रामीण परिवारों को डिजिटली साक्षर करने का कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। डिजिटल इंडिया की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की थी, यह बदलाव का कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसके कोर में क्या है? टेक्नोलॉजी। आम हिंदुस्तानी को टेक्नोलॉजी इंपावर करना ताकि हिंदुस्तान मजबूत हो और आम हिंदुस्तानी मजबूत हो। मेरे नौजवान साथियों, माय फ्रेंड्स फ्रॉम द आईआईटी स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द डिजिटल प्रोफाइल ऑफ इंडिया। 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 119 या 20 करोड़ मोबाइल फोन है, 50 करोड़ स्मार्टफोन है, 118 करोड़ आधार है, 50 करोड़ इंटरनेट है, मोबाइल और लैंडलाइन। हमने क्या कार्यक्रम शुरू किया? गरीबों के 30 करोड़ बैंक अकाउंट खोले, जनधन अकाउंट, उनको जोड़ा आधार से, मोबाइल से, बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया और सारे उनके गैस की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, मनरेगा की सब पेमेंट सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले 3 साल में हमने 58,000 करोड़ रुपया बचाया है जो बिचौलिए खा जाया करते थे, फिक्टिशियस लोग खा जाया करते थे। प्रधानमंत्री जी, आपको बताना चाहता हूं, जिस समय आपकी सरकार आई थी देश में 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, आज 2,70,000 हैं भारत के कोने कोने में, जिसमें 1,70,000 सिर्फ ग्राम पंचायत में है। और आज मैं घोषणा करना चाहता हूं, इस साल के अंत तक देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में हर में कॉमन सर्विस सेंटर हो जाएंगे। ये बच्चे आधार कार्ड बनाते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, रेलवे की टिकट करते हैं, लैंड रिकॉर्ड देते हैं, डिजिटल लिटरेसी का भी काम करते हैं। पूर्व में हमने इनको काम दिया था डिजिटल पेमेंट के लिए, जनता को जागरूक करने, इन्होंने 2 करोड़ लोगों को जागरूक किया देश भर के लिए, ये काम करते हैं। आज आपके सामने कुछ लोगों को प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देंगे, इसमें दलित बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं, इसमें एक से एक नौजवान हैं, गरीब हैं जो अपने गांव में बैठकर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम तक डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं। और मेरे बच्चों, तुम एक बात ध्यान रखना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम डिजिटल इंडिया के लिए मजबूती से खड़े हो जाओ। आज देश को हम डिजिटली मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदार, प्रभावी, प्रामाणिक। और प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की कल्पना है, एक गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल फोन होना चाहिए। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब डिजिटल इंडिया वन की दिशा की शुरुआत रांची में हुई थी 2014 में, प्रधानमंत्री ने हमें एक निर्देश दिया था, मैं चाहता हूं आम हिंदुस्तानी के हाथ में उसके मोबाइल में सरकार होनी चाहिए, सरकार दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। और आज डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के माध्यम से हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के बच्चे वो काम कर रहे हैं गांव-गांव में। हम चाहते हैं आप नए नए काम करिए, देश को आगे बढ़ाइए, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी का सपना है डिजिटल साक्षरता का, ग्रामीण के अंतर्गत 6 करोड़ परिवारों को हमें डिजिटली लिटरेट करना है, तो आप उन्हें पढ़ाइए, उन्हें सिखाइए, उसका कोर्स आपको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगी। और मैं चाहता हूं ये 6 करोड़ डिजिटल सेना की एक बड़ी उपलब्धि हो जो डिजिटली लिटरेट हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, डिजिटल लिटरेसी एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी इन आईआईटी, यही तो है डिजिटल इंडिया। आओ मिलकर उस सपने को साकार करें और भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।